इसमें आपने रिफ्रैक्शन समझ लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लिया है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पढ़ लिए हैं, जिसमें आपने पढ़ा था स्नेल्स लॉ। लिखिए अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, वहां से शुरू करते हैं। लेंस भी मैंने आपको दे दिया था, ताकि अगर आपको टेंथ का थोड़ा बहुत मिसकंसेप्शन हो, क्योंकि लेंस ही पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुई किसी सरफेस पर और इस तरह से बेंड हुई। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, यहां पे बनने वाला एंगल θ1, यहां θ2, I1 R जो भी हो। तो स्नेल्स लॉ कैसे लिखा जाता है, पहले ऊपर वाले मीडियम का मल्टीप्लिकेशन कीजिए n1 sin θ1, n1 sin θ1, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का एंगल का साइन का मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू इन दोनों का n2 sin θ2। दिस इज हाउ स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल। ठीक है, इस तरह से आपको अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोल दूं लाइट रे ऐसे जाकर के ऐसे जा रही है, ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2, या इसको मैं कह देता हूं, इसको मैं कहता हूं I, इसको कहता हूं R, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका है n2। मुझे स्नेल्स लॉ लिख के बताइए। स्नेल्स लॉ किसी सरफेस के लिए लिखा जाता है, ऐसी सरफेस जो दो मीडियम को डिफरेंशिएट करती है। लिखिए इसको जरा, कैसा आएगा, n2 sin r n1 sin i, दैट्स ऑल। ये सीखना है आपको पहला, ठीक है, लिख लीजिए दोनों। अब चैप्टर को बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। स्नेल्स लॉ अगर आपको लिखना आता है तो आप काफी हद तक क्वेश्चंस कर पाएंगे इसके। क्या करना है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी में जो एंगल बन रहा है उसके साइन का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें जो बन रहा है उसके साइन का मल्टीप्लीकेशन, चाहे ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चंस टाइप आपके टॉपिक हैं, मतलब इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बन जाता है डायरेक्ट। तो मैं क्वेश्चंस क्या टाइप है वो देख लीजिए आप। हेडिंग डालिए अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, समझ लीजिए। सपोज कीजिए वॉटर है और आपने यहां पर एक सिक्का रख रखा है इसके बॉटम में। आपको पता है सिक्का थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। अब ये ऑब्जेक्ट है, लाइट इज ऑलवेज सपोज टू कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो मैं उस ऑब्जेक्ट को तब देख पाऊंगा जब उससे लाइट मेरी आंखों में आए। उससे जो लाइट आएगी मेरी आंखों में, मेरे लेंस से जाकर के मेरे रेटिना पर इमेज बनाएगी, ऑप्टिक नर्व्स मेरी ब्रेन तक जाएगी जो बताएगी कि भाई क्या बना है। सपोज कीजिए आप उजाले में हैं और मैं अंधेरे में हूं, तो क्या मैं आपको देख पाऊंगा, क्या आप मुझे देख पाएंगे, नहीं। क्यों, आप उजाले में हैं, इसका मतलब है कि आप पे जो भी लाइट पड़ रही है वो लाइट आपसे रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में आ रही है, लेकिन मुझसे कोई लाइट आपके पास तक नहीं जा रही है। इसीलिए रे ऑप्टिक्स में लाइट इज सपोज टू कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। लाइट कहां से आती है मानते हैं, ऑब्जेक्ट से। और कोई भी इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ दो लाइट रे को कंसीडर करना पड़ता है। जैसे लेंस में भी जितनी भी इमेजेस बनी उसमें सिर्फ दो लाइट रे मानो, और जो दो जहां पर मीट कर जाए वो आपका इमेज बनता है, ठीक है। अगर ये है तो ये चारों तरफ लाइट निकालेगा, उसमें से एक लाइट में ये कंसीडर करता हूं जो बिल्कुल सीधी गई, और एक लाइट जो ऐसे जाएगी डेंसर से रेयर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी। और आप जब इस लाइट को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये लाइट यहां से आ रही है, तो इसकी एक इमेज यहां पर बनेगी। बेसिकली ये डी या एच मान लेता हूं, डी मान लेता हूं, अपेरेंट हाइट है ना, टॉपिकल अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। अगर ये डी एक्चुअल है
तो इसको हम बोलेंगे डी अपेरेंट, और ये कहलाएगा इसका शिफ्ट। इतना गहराई में था बट आपको ये थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, उसकी वजह है रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये कितना है वो हमें निकालना है। बनाइए डायग्राम, बिल्कुल नहीं मुड़ेगी क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 0 डिग्री, तो रिफ्रैक्शन क्या आएगा 0, साइन 0 इज इक्वल टू साइन आर। समझना, इसको मैं कहता हूं ए, इसको कहता हूं बी, इस कॉइन को कहता हूं मैं सी, ये है डी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये भी क्या हो जाएगा आई। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए, मुझे आप ए बी सरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करके बताइए। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए बी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डी, इसका हो गया एन आर, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम, कितना निकला एन डी साइन आई एन आर साइन आर। यहां से मैंने निकाला साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज एन आर अपॉन एन डी, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इधर देख लीजिए एक बार। अब ट्रायंगल कंसीडर कीजिए ए बी सी, एंड ट्रायंगल कंसीडर कीजिए ए बी डी, ए बी सी, टेन आई कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली इधर देखिए, ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल भी क्या आएगा आर, तो ए बी डी में टेन आर निकालिए ए डी। अब सुनिए, ये जो एंगल्स होते हैं ना ये काफी छोटे छोटे होते हैं, है ना, हियर आई इज वेरी स्मॉल, इन दिस केस टेन आई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन आई, तो ये आपके पास साइन आई की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली आर भी बहुत छोटा होगा इसलिए टेन आर विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन आर, तो यहां से आपने साइन आर की वैल्यू भी निकाली ए बी अपॉन ए डी। ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर थ्री, टू और थ्री से वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में रखिए। ए डी डी अपेरेंट अब क्या होता है, जनरली ये होता है एयर और ये होता है वॉटर, तो मैं मान लेता हूं इफ एन आर इज इक्वल टू वन फॉर एयर और एन डी इज एन, वॉटर नहीं कोई भी मीडियम हुआ, तो डी अपेरेंट आ गया वन अपॉन एन, तो डी अपेरेंट का फॉर्मूला हो गया डी एक्चुअल अपॉन एन। एयर से वैक्यूम में जाएगी हाँ तो बिल्कुल डिफ्रेक्शन होगा, बहुत थोड़ा सा। एनआर की वैल्यू वन और एनडी को हम एन मान लेते हैं। आइए अब इसका उल्टा सोचिए, इस वक्त आप बाहर थे ऑब्जेक्ट अंदर, इस बार आप अंदर ऑब्जेक्ट बाहर। सपोज कीजिए सीन कुछ ये है,
ये आपका ऑब्जेक्ट है और इस जिसको मैं कह देता हूं ए बी, ठीक है। तो यहां से जो लाइट रे आएगी, रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी, और आप जब यहां से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये लाइट रे इधर से कहीं से आ रही है, और यहां से इधर जाने वाली लाइट रे यहां पर टकराएगी तो इसकी एक इमेज यहां बन जाएगी। तो इसकी एक्चुअल हाइट तो ये है, बट आपको ये इतना दिखेगा जिसका शिफ्ट होगा एक्स। इससे पहले वाले में एक्स की वैल्यू लिख लेना डी अपेरेंट माइनस डी एक्चुअल शिफ्ट एक्स की वैल्यू। तो डी अपेरेंट क्या था, डी एक्चुअल अपॉन एन माइनस डी एक्चुअल, तो डी एक्चुअल 1 माइनस एन अपॉन एन, यही था ना। बस वो तो आप निकाल ही लोगे, उसमें क्या है। एक्चुअल में से अपेरेंट को माइनस करेंगे ना एक्स निकालने के लिए। एक्चुअल बड़ा था क्या? हाँ एक्चुअल पूरी हाइट वो डार्क ली अच्छा, थी। एक्चुअल बड़ा था, अपेरेंट छोटा था। ये हो गया आई, ये हो गया आर, ये भी हो गया आर, ये हो गया आर, और ये हो गया आई। एक बार एंगल सारे कंफर्म कर लेना अपने आप, दे रहा हूं टाइम थोड़ा सा आपको। फिर इसमें हम डेंसर मीडियम में हाँ है, आंखें रही ना तेरी? हाँ ये डेंसर मीडियम में हाँ। लाइट रे ऐसे आ रही है, एंगल्स बताओ एक बार दोबारा से। चलो डायग्राम बना लो, एंगल में फिर दोबारा से बताता हूं आपको। चले यहां से लाइट रे आ रही है, यहां पे इंसिडेंट हुई तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, अल्टरनेट अपोजिट एंगल तो ये भी क्या हो जाएगा आई। क्लियर है? ठीक है, ये है एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, ये आर है तो ये भी क्या हो गया आर, तो ये भी क्या हो जाएगा आर, तो फिर से अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये भी आर हो जाएगा। यही बात समझ गुम गए देख। ठीक है, उसमें भी हमने क्या करा था, पहले हमने लगाया था स्नेल्स लॉ, और फिर दो ट्राइंगल थे हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों से साइन आई टेन आई की वैल्यू निकाली थी जिसको साइन आई के बराबर करा था और पुट कर दिया था। सेम करना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए। चलिए उससे साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू निकालिए। अपने आप कीजिएगा, बोर्ड में मत देखिएगा। और किस पे, वही की तो सरफेस है यहां पे। या अब क्या करेंगे, दो ट्राइंगल कंसीडर कीजिए ए बी सी और ए डैश बी सी, ए बी सी, इससे आप टेन आई की वैल्यू निकालिए, इससे निकालिए टेन आर की वैल्यू, फिर कह देना आई बहुत छोटा है इसलिए हम टेन आई को आज से साइन आई बोलेंगे, तो साइन आई की वैल्यू लिख दीजिएगा। फिर कह देना आर बहुत ही छोटा है इसलिए हम टेन आर को आज से साइन आर बोलेंगे।
और साइन आर की वैल्यू लिख दीजिए। Put the value from equation number 2 and 3 in equation number 1. मेरी नजर चेहरे से अब तेरे हटे ना, तेरे बिना जान मेरी। सुनेगा ना मस्त गाना। एनडी जनरली ये वोटर होता है, तो इसको मैं एन मान लेता हूं, और जनरली ये क्या होता है एयर, तो इसको वन मान लेता हूं। तो ये हो गया ए डैश बी एच अपेरेंट अपॉन एच एक्चुअल इज इक्वल टू एन। तो एच अपेरेंट हो गया एन टाइम्स ऑफ एच एक्चुअल, कैसे भी कर लो इसको याद कर लो। शिफ्ट निकाल दीजिए, एच अपेरेंट माइनस एच एक्चुअल। ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, सारा दम यहां है। तो अभी कौन करने जा रहा है, चलिए आइए। तो ये हो गया आपके पास दो टॉपिक, अपेरेंट डेप्थ और अपेरेंट हाइट। फॉर्मूले याद करने के लिए बड़े आसान है, तो वो देख लीजिए। दो चीजें हैं, आपको इतना तो पता ही होगा डायग्राम से कि अगर सिक्का यहां रखा है तो सिक्का आपको यहां दिखेगा, है कि नहीं। यह है डी एक्चुअल अपॉन डी अपेरेंट। और दूसरा आपने बोला कि अगर ये यहां है तो वो ससुरा आपको और ऊंचा दिखेगा, ये होगा एच अपेरेंट और ये होगा एच एक्चुअल, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन एन। दोनों को लिखो, डी अपेरेंट डी एक्चुअल, एच अपेरेंट एच एक्चुअल। बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन है, एक्चुअल बड़ा है। इन दोनों को बराबर करना है तो इसको डिवाइड करना है एन से। इन दोनों में से कौन बड़ा है, अपेरेंट बड़ा है, इसको डिवाइड कीजिए एन। यही फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। तो यहां से हो जाएगा डी अपेरेंट का फॉर्मूला आ गया, और यहां से एच अपेरेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। जो बड़ा है उसको छोटा कर दीजिए। डायग्राम याद रखना, एक्स तो फिर निकल ही जाएगा शिफ्ट, तो लिख देना बड़े वाले को एन से डिवाइड करो। ये ट्रिक हो जाएगी, बच्चे की शादी कर लिए मैं फ्री हूं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इफ अ बर्ड एट 60 मीटर हाइट, बर्ड समझते हो पक्षी अक्षय कुमार वाली, इफ अ बर्ड एट 60 मीटर हाइट from the surface of water, if a bird at 60 meter height from the surface of water looks at a fish at 20 meter below, नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, एक बार में एक ही देखेगा। 20 meter below the water, what is the distance of bird, what is the distance of bird observed by the fish। चलो दोनों मिला देता हूं,
ऑल्सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय द फिश एंड द डिस्टेंस ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड. हाँ तो तू सेम लिख, मैं डंडा ला रहा हूं. हाँ ऑब्जर्व्ड बोला ना मैंने, ऑब्जर्व्ड बाय द फिश एंड ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड. तेरे से तो मैं पूछ रहा हूँ कि तेरे को कितना दिख रहा है. डिस्टेंस ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय द फिश एंड डिस्टेंस ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय द छपकी पपच्छी. चलिए शुरू कीजिए. हाँ पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3, देने की जरूरत नहीं है मेरे को. बचपन में गया मैं, आज भी भाई मछली नहीं बनती मेरे से. क्वेश्चन ये नहीं कि मछली बनाओ. आइए बर्ड की एक्चुअल हाइट क्या है, 60 मीटर. और ये ससुरी कितना नीचे नीचे, फिश 20 मीटर. फॉर बर्ड और फॉर फिश. बर्ड देखेगा नीचे तो 60 तो रही सही, तो इसको मछली कहां पे नजर आएगी, यहां पर ऊपर. ये कितना है डी एक्चुअल और ये क्या है डी अपेरेंट. तो डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल अपॉन एन. एन कितना है 4/3, 20 अपॉन 4/3 कितना है 15 मीटर. 60 पे तो ये है ही सही, इसको 15 और दिखेगा तो कितना हो गया. डिस्टेंस इज 60 + 15, 75 दिखेगा बर्ड को. अब फिश अगर ऊपर देखेगी तो इसको ये पक्षी ससुरा और ऊपर नजर आएगा, ये आएगा एच अपेरेंट और ये है एच एक्चुअल. तो एच अपेरेंट और एच एक्चुअल अपॉन एन कर दो तो H apparent आ जाएगा 4/3 times of H actual, that is again equals to 60. तो ये हो जाएगा 80 मीटर. तो 80 मीटर पे तो ये दिखेगा, ये पूरा 80 मीटर और 20 मीटर ये रहेगा, ये अपने आप को थोड़ा ना देख लेगा. 80 + 20 100 मीटर. बस खत्म. समझे सफेद कपड़ा तो नहीं जेब में से. देख सेम है, फिश इसको देखेगी, तू इधर देख ले पहले. तो ये 60 की जगह आपको 80 मीटर पे नजर आएगा. तो 80 पे ये दिख रहा है, 20 पे ये है, तो इसके लिए टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर. यही मछली की दर्द भरी कहानी है. मछली को लग रहा है कि वो 100 मीटर दूर है, टाइम लगाएगा वो पकड़ करके खा लेता है तुरंत. चलिए सर इजी क्वेश्चन है, हर ना लिए रेक्टेंगुलर स्लैब. ओके सो बेसिकली ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है. आपने 10th में पढ़ाई था कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो जब ये ग्लास में जाएगी तो अपना जो मेन पाथ है उससे टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, और जब टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो करके ग्लास से एयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, और ये वाली लाइट रे का इंसिडेंट पाथ और इमर्जेंट रे दोनों कैसी होती है पैरेलल होती है. ड्रॉ कीजिए फिगर को, अब फिर इसमें हम लिखाते हैं. फिगर का नाम है पी क्यू आर एस
और ये है आपके पास I, ये हो जाएगा R, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है तो ये भी हो जाएगा R, ये हो जाएगा E, ठीक है। और ये आपके पास इसकी थिकनेस है T, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का हम NG मान लेते हैं, इस एयर का 1 मान लेते हैं, ठीक है। और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कि जानी यहां चाहिए थी गई यहां है, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं x, और x का मतलब है लैटरल शिफ्ट, और यही हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है हमें, इसमें दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं, क्यू आर सी एंड क्यू डी आर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एंगल अगर आई है तो ये पूरा एंगल क्या होना चाहिए, आई, आई में से आर गया तो ये हो गया आई माइनस आर। तो एक मुझे इसका साइन निकालना है, साइन आई माइनस आर, और एक इस एंगल का कोस आर निकालना है, सीधी आपको याद करना पड़ेगा और सिलेबस और डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। इनकी वैल्यू जो आएगी उसके बाद हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि आर सी अपॉन क्यू आर। तो सर ये अलग हो, ये वाला अलग होगा ना आर से इस, ये क्यों पैरेलल है ना दोनों, सर हो गई हाँ। क्यू डी आर, क्यू डी आर इसमें से कोस आर निकालो, अपॉन आर, ये हो जाएगा क्यू आर। साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर इज इक्वल टू आर सी अपॉन क्यू डी। आर सी क्या है एक्स, और क्यू डी क्या है टी। तो एक्स हो गया आपके पास टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। तो सिंपली इस डायग्राम में आपको दो ट्राइंगल लेने हैं, एक ट्राइंगल लेना है ये वाला और एक लेना है ये वाला। इस वाले से आई माइनस आर निकाल देना, इससे कोस आर निकाल देना, और कुछ नहीं करना, ठीक है, याद करना पड़ता है ये सब चीजें। अच्छा, अब आपने 10th क्लास में पढ़ा था, अगर इसकी थिकनेस बढ़ जाती है तो लेटरल शिफ्ट बढ़ जाता है। ये हमने डायरेक्ट याद कर रखा था, जो फॉर्मूला यहां से आता है। हरिंग डालिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए, शुक्र है, टेंथ में पढ़ाया था ये टी आई आर, अच्छा वैसे अलग से पढ़ाया था, तब भी ऐसा है, यही सोच रहा है, कंफ्यूजन हाँ बोल सर, वो रेन ड्रॉप हाँ नाम लिया था, पूरा पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ही कराया था सर, वो एग्जांपल लेते हैं जो क्वेश्चन नोट्स में लिखा हुआ था, बस वही कराया था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सपोज कीजिए ये वाटर है और ये एयर है, और कोई लाइट रे वाटर से एयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। बोलो, अगर मैं, अरे यार इसको बहुत ज्यादा मैंने वैसा बना दिया,
ऐसे, क्लियर है? अगर मैं इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी बढ़ जाएगा। मैंने इसका एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन ऐसा कर दिया, तो दूसरी वाली रे यहां से निकली, यहां चली गई। मैं इसका एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन और बढ़ा देता हूं, तो ये और होकर के हो सकता है ऐसे निकल जाए, इट कैन ग्रेज ओवर द सरफेस। उसको ग्रेज करती है, ठीक है? अब इसके बाद अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा भी और बढ़ा देता हूं तो लाइट रे विल बाउंस बैक। अभी तक क्या हो रहा था? ये रिफ्रैक्शन। ये क्या हो गया? आपको नहीं लगता फिनोमिना ही चेंज हो गया? रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन आ गया एकदम से। और ये क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक, यानी कि ये हो गया हमारे पास क्रिटिकल केस। नहीं, हाँ ये भी रिफ्रैक्शन ही है। तो ये है क्रिटिकल केस, इसके पहले रिफ्रैक्शन, इसके बाद में रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं कि तीसरे वाले में जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा था, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बोला क्रिटिकल एंगल है। कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है? कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिल जाए, 90 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। एक बात, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से 1 डिग्री भी आगे आया, then light ray will bounce back to the same medium, and this phenomena is called as total internal reflection. क्या कंडीशन है इसके लिए? पहली बात कि लाइट रे को डेंसर मीडियम से किधर जाना चाहिए? रेरर, क्योंकि रेरर से डेंसर जाएगी तो क्रिटिकल एंगल आता भी नहीं। तो पहला कंडीशन है कि लाइट मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेरर। मैं TIR की बात कर रहा हूं, करके देख ले, पहले बनाए खींच और फिर के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता चल, हो जाए तो बता देना, मैं लिखवा दूंगा, करके देख आराम से। ऐसे नहीं आएगा, हवा में नहीं आता, एक्टिंग मत करे, नहीं आएगा हवा में, नहीं आएगा हवा, करके देखे तब आएगा। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये दो शर्तें होती हैं फॉर TIR। लिखिए, पहले डायग्राम बना लीजिए, फिर लिखिए। जिसको लगता है कि रेरर से डेंसर जाने पे भी होता है, तो एक बार कोई भी एक लाइट रे खींचो, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओ, पता लग जाएगा कभी नहीं होने वाला ऐसा। राइट ऑन, when light ray passes from denser medium to rarer medium, the incident angle at which angle of refraction become 90 degree। puri baat likh dete hain, the incident angle at which angle of refraction become 90 degree is called as critical angle। change the paragraph, when angle of incidence is more than the critical angle, when angle of incidence is more than the critical angle, light ray will bounce back to the same medium. This phenomena is called as total internal reflection. This phenomena is called as total internal reflection. और शर्तें मैंने लिखाई दी हैं, ठीक है? चलिए अब कुछ छोटी छोटी बातें और करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं निकालूंगा, उसको देखते हैं। हाँ तो होता है ना, उसमें तो लाइट एयर से डेंसर
कब होता है वाटर में जाकर के, कब होता है? यहां पे होता है क्या कि यहां होता है? ये जाती है ना एयर से वाटर, जब वाटर से एयर की तरफ जाने की कोशिश करती है तब इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना। चलिए आइए, तो मैं अगर इस सरफेस पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nr, इसका nd मान लेता हूं, ठीक है, दोबारा बना देता हूं, क्रिटिकल एंगल की बात करता हूं, ये एंड डेंसर एंड रेयरर, इस पर मैं स्नेल्स लॉ लगाइए और साइन थीटा सी की वैल्यू निकालिए, स्नेल्स लॉ लगाइए और साइन थीटा सी की वैल्यू निकालिए, यानी कि हल्का अपॉन भारी। कभी भी आपको किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल निकालना है तो हल्का वाला ऊपर रखेंगे, भारी वाला नीचे रखेंगे, आपके पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, ठीक है। हेडिंग डालिए एप्लीकेशंस ऑफ TIR, एप्लीकेशंस ऑफ TIR, सबके आ गया ना ये कि मैं निकाल करके बताऊं? चलो फिर एप्लीकेशन ऑफ TIR, सबसे पहला लिखिए TIR बाय प्रिज्म। ये यहां पर सिर्फ डायग्राम का क्वेश्चन आता है, इस जो फर्स्ट पार्ट है TIR बाय प्रिज्म, सिर्फ डायग्राम का और कुछ कोई नहीं क्वेश्चन आता। बोलता है डायग्राम बनाओ बस। इसमें दो केस है, पहला शिफ्ट बाय 90 डिग्री, दूसरा शिफ्ट बाय 180 डिग्री। तो आपसे कोई भी एक डायग्राम या हो सकता है दोनों ही पूछ ले, आपसे बोलता है बताइए 90 डिग्री का शिफ्ट करके बताइए लाइट रे में, यानी कि लाइट रे ऐसे जाए उसके बाद या तो 90 डिग्री ऊपर चली जाए या 90 डिग्री नीचे चली जाए, तो उसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सपोज कीजिए यह है, अच्छा ये भी लिख लेना, ग्लास एयर सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल ऑलमोस्ट 42 डिग्री निकल करके आता है, ग्लास एयर सरफेस है तो क्रिटिकल एंगल ऑलमोस्ट 42 डिग्री का होता है। अगर सपोज कीजिए लाइट रे ऐसे करके इंसिडेंट होती है, मैं इस लाइट रे का पाथ ट्रेस करके बताऊंगा, यही सीखना है हमें कि पाथ कैसे ट्रेस करते हैं, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? जीरो, क्योंकि नॉर्मल से नापोगे ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? जीरो, तो सीधी की सीधी इधर आ जाएगी इस तरह से। अब मैं यहां पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं इस तरह से, तो ये 90, बोलो, ठीक है, तो ये एंगल कितना आएगा? अगर ये एंगल 90, ये 45 और ये 45 है, तो 45 आएगा, तो ये एंगल आ गया 45 डिग्री, यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आ गया, तो लाइट रे विल बाउंस बैक इस तरह से, यहीं पे आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45, ये होता है ना रिफ्लेक्शन में। अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? जीरो, तो लाइट रे सीधी निकल जाएगी, तो अगर ए से लाइट रे गई है तो यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी, लेकिन अगर बॉटम से ले जाऊं तो भी सेम ही आना है,
और आपकी इमेज आपको ऐसे मिलेगी, 90 डिग्री का शिफ्ट आ गया। तो इस तरह से डायग्राम बनाना है 90 डिग्री के शिफ्ट के लिए, बनाइए इसको। सर ये उधर से 90 डिग्री बन जाते, इधर आपने वो जीरो क्या जीरो कर दिया ये? सर उसको उधर से 90 डिग्री घुमाना था। किसको 90 डिग्री घुमाना? जीरो एंगल पे जा रही थी ना उसके बाद, यहां जीरो जा रही थी। हां तो निकले भी कितने पे? तो सर वहां से तो जीरो ही था ना। ये जीरो कहां से था? तो यहाँ भी तो नॉर्मल से जीरो है। गंजा हो गया क्या तू? अभी तो खुद ही कह रहा था अगर लाइट है ऐसे अगर ये है तो मैं ऐसे तो लेके जाऊंगा ना उसको, यहाँ पे नॉर्मल ये है तो जब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन क्या आएगा? जीरो। इसमें मैंने क्या कर दिया? तू सोच रहा है यहाँ आई जीरो यहाँ 90 हो गया, यही सोच रहा है ना? वो आर है, आर कहाँ से नापते हो? नॉर्मल से ना। जब तू यहां आई जीरो बोल रहा है क्योंकि ये रहा तेरा नॉर्मल, तो यहां भी तो आर जीरो ही बोलेगा। अरे कहां जाके तेरी बहस फंस जाती है? फोर्टी टू डिग्री ग्लास एयर सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। ये नॉर्मल नहीं 90 डिग्री पे, देख नॉर्मल नहीं है। किसके नॉर्मल होगी? आगे की तरफ डेंसर से रेयर जा रही है ना, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा भी गिर रही है तो पास करती है, रिफ्लेक्ट करती है। पीआईआर हुआ है ना बेबी? क्या ओवरऑल देखना यहां से यहां 90 डिग्री शिफ्ट नहीं हुआ? देख देख ना, देखो 90 डिग्री बनता हो, नहीं देखा? सर लेकिन ये रिफ्लेक्शन का होता, क्या हुई है? रिफ्लेक्शन तो बाउंस बैक होता है ना, मतलब बाउंस बैक का हुआ। हम कह रहे हैं टीआईआर के की वजह से ये हुआ है, तो गलत बोल रहे हैं हम। सर मतलब बाउंस बैक नहीं हुआ ना उसका, वो रिफ्लेक्टिव कहां नहीं हुआ बाउंस बैक? ये बाउंस बैक नहीं हो रहा सेम मीडियम में, ग्लास से ग्लास में बाउंस बैक नहीं हो रहा? 180 डिग्री बेटा, 190 डिग्री करा रहा हूं ना, बाउंस बैक नहीं हुआ। ये देखना ये इधर जा रही थी ऐसे आ गई, क्या हो गया? बादाम खत्म हो गए घर पे? नहीं हो जाता है कभी कभी, राशन मंगवा लो। क्या नहीं लग रहा भैंस की टांग? देखो 90 डिग्री दिख नहीं रही है कि ये ऐसे जा करके ऐसे आ रही है, और कैसे 90 डिग्री बनाऊं ऐसा? यहां 90 डिग्री लिख दूंगा। चलो अगला करो, अगला मैं बना रहा हूं इंसिडेंट रे बनाऊंगा, बाकी रे आप अपने आप ट्रेस करना कि कौन सी रे किधर जाएगी। अब तू अपने आप देख ले, मैंने इस सरफेस के 90 डिग्री डाला है, अपने आप देखता रहे। चल बना, अब इसको जल्दी कंप्लीट कर। इतना तो तय है कि जब ये यहां आएगी तो 45 डिग्री के एंगल पे गिरेगी। अब ये डेंसर से रेयर जा रही है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, टीआईआर हो जाएगा, इट विल बाउंस बैक। कितने पे? जितने एंगल पे 45 पे आई थी, तो 45 यानी कि इंसिडेंट से 90 डिग्री के एंगल पे यहां आ जाएगी। क्लियर है? अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा? 45, ठीक है। और यहां से मैं नॉर्मल बनाता हूं तो 90 ये हो गया, 45 ये हो गया, तो ये भी क्या हो गया? 45। तो यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 45, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, यानी कि इट विल बाउंस बैक। तो इंसिडेंट से ये 45, तो यहां से और 45, यानी कि इंसिडेंट से 90 डिग्री पर। आगे इसके साथ भी वही होगा, तो ए वाली लाइट रे गई है तो यहां बनेगा इसकी इमेज ए डैश, अगर यहां पे मैंने स्क्रीन लगा दी तो यहां बनेगा बी डैश। ये हो गया 180 डिग्री का शिफ्ट। इधर से लाइट रे जा रही थी बट टीआईआर की वजह से वापस इधर आ गई।
ये जब वो कर रही है बाउंस बैक कर रही है तो 90 डिग्री का एंगल ही क्यों बना रही है मतलब कहां पर यहां पर यस सर पूरा एंगल 90 का ही ओके ये 45 है ओके तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो इसी एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगी यानी कि नॉर्मल से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 45 तो इंसिडेंट से कितने का बन गया 90 का बस मैंने भी तो वही करा शिफ्ट बाय 180 डिग्री का ये पहला डायग्राम है बाय प्रिज्म एक तरीके से और करते हैं इसमें गजब बात नहीं है इधर से लाइट रहेगी इमेज भी इधर ही बन गई आपको उधर कुछ दिख ही नहीं रहा है क्योंकि क्यों क्यों नहीं दिख रहा है क्योंकि इधर से कोई लाइट रही नहीं आ रही है सामने होते हुए चीज नहीं दिख रही आपको चमत्कार है भाई चलिए दूसरा देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट ये है ए से बी लाइट रे इधर आती है सर ये कौन सा डायग्राम डायग्राम नहीं एक स्लैब टाइप है ग्लास की तो सीधा जाने के बजाय टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी और अगर यहां पे टीआईआर हो जाता है इट विल बाउंस बैक और यहां का 90 डिग्री अगर मैं मान लूं ऐसा आ जाएगा सिमिलरली नीचे वाले से जाएगा इधर मुड़ेगा इधर आएगा ऐसे आ जाएगा तो ए वाले से जो गया है वो ए वाला आ गया बी वाले से गया बी वाला तो ये हो गया आपके पास यहां यहां के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री तो इसको भी आप 180 डिग्री का शिफ्ट ही कहते हैं तो ये था हमारे पास पहला टीआईआर बाय प्रिज्म अगला लिखिए अरे हाँ तू तीसरा लिख ले प्लीज को इसमें लिखे मिराज एक हिरन की दर्द भरी कहानी हिरन देखिए सपोज कीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पर ये मान लीजिए कोई भी आपके पास पेड़ है ठीक है और ये गर्मियों के दिन है रेगिस्तान मान लीजिए या कोई हाईवे मान लीजिए या रेल की पटरी मान लीजिए तो जहां पर बहुत ज्यादा गर्म होता है जैसे जैसे यहां से ऊपर जाते जाओगे एयर थोड़ी सी कूल होती जाएगी यानी कि यहां पर जो एयर की बहुत सारी इनफाइनाइट लेयर्स होंगी उनके हिसाब से बात करें तो ये वाला रेरर होगा और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो ये कैसा होता जाएगा डेंसर होता जाएगा ठीक है अब जरा सोचो कोई लाइट रे यहां से चली ऐसे मान लीजिए तो ये कहां से आ रही है डेंसर से आ रही है और कहां जा रही है रेरर रेरर तो ये होगी डेंसर से रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी यानी कि इसको जाना इधर चाहिए था बट थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी इधर की तरफ जिसकी वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहां पर आई वन था ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा ये जाना इधर चाहिए ये और इधर शिफ्ट हो जाएगी तो अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया हो सकता है आगे और शिफ्ट हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका और बढ़ जाएगा और ये मानिए कि ये एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो लाइट रे नीचे ना जाकर के कहां जाएगी ऊपर और आप यहां पर खड़े हुए इसको देख रहे तो आपको लगेगा ये लाइट रे कहां से आ रही है नीचे से है यानी कि इससे जाने वाली हर एक लाइट रे जब ऐसे जाएगी
तो वो सारी लाइट रे इधर से आएंगी, यानी कि आपको ये इमेज आपको कुछ ऐसी दिखने वाली है। भाई यहाँ पर अगर इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ता रहा तो किसी ना किसी एक सरफेस पर तो ऐसा होना ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तो बाउंस बैक हो जाएगी और आपको लगेगा लाइट रे यहां आ रही है, तो इस पेड़ की इमेज आपको नीचे दिखेगी। और जब भी कोई नीचे इमेज दिखती तो हमें लगता है कि वहां पे पानी है, क्योंकि आसमान की इमेज भी वहीं दिखनी है, तो आपको लगता है पानी है, तो आप और आगे जाओगे बट पानी तो होगा नहीं वहां पे। तो ऐसा ही हिरण के साथ रेगिस्तान में हो जाता है, जब हिरण रास्ता भटक जाता है तो पानी की प्यास लगती है तो वो दूर देखता है तो उसको पानी दिखता है, वो भागता जाता है पानी की तलाश में बट उसको पानी नहीं मिलता और वो आखिरकार दम तोड़ देता है। अगर ये पहुंच गया वहां पे कोल्ड ड्रिंक लेकर के तो एक अलग बात है, ठीक है। तो बाकी इस तरह से आपको मिराज होता है, और ऐसा हाईवेज पे भी होता है, आप कभी खाली सड़क हो तो आपको दूर लगता है कि वहां सड़क के ऊपर पानी पड़ा हुआ है। हाईवे गए हो कभी, गलियों से निकले हो बाहर, ठीक है हाँ, तो बस कभी पैदल पैदल भी दिखता है, तो आप ऐसा नहीं गाड़ी से जाओ तो भी दिखेगा, तो वही चीज होती है, इसको हम बोलते हैं मिराज। लिख लीजिए इसको, गाड़ी खराब होती है तो बेटा पता लगता है, पानी जैसा लगता है, वो इमेज नहीं दिखती है पानी की, पानी होगा तो उसकी इमेज दिखेगी ना। मिराज को हिंदी में कहते हैं मृग मरीचिका। चलिए एक और होता है लूमिंग, नॉट इन सिलेबस, लूमिंग में पढ़ा रहा हूं, सिलेबस में नहीं है, बट ये भी समझना जरूरी है आपके लिए। सपोज कीजिए बहुत बर्फीले दिनों की बात है, कहीं पर जैसे साइबेरिया हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, जहां पर बहुत बर्फ होती है, हाँ कश्मीर में नहीं, चारों तरफ आइसबर्ग आइसबर्ग, वो टाइटेनिक वाला हिस्सा। सपोज कीजिए वहां पे एक शिप है, क्लियर, और ये कोस्टल एरिया है। अब आपको पता है यहां पर काफी कूलर रीजन है और यहां पे कंपैरेटिवली, तो ये हो गया डेंसर और ये हो गया रेयर, और यहां भी एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर्स होंगी इस तरह से देखिए। तो सपोज कीजिए यहां से कोई लाइट रे गई इस तरह से, तो कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी और शिफ्ट होगी, तो इस तरह से इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो फिर से बढ़ने लग जाएगा। मैंने माना आई थ्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, इट विल बाउंस बैक, और अगर आप यहां से इसको देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि ये यहां पर है, हाँ, तो इसकी इमेज यहां पे बनेगी आपके पास, इस तरह से पूरा शिप आपको हवा में दिखेगा, वो भी उल्टा। जी मजाक नहीं कर रहा मैं सर, जब पेड़ का पेड़ नहीं दिखा, पानी दिखा, तो इसका पानी भी नहीं दिखेगा, तो दिखेगा ना, जितना भी यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगा वो सब दिखेगा आपको, शिप दिख जाएगी पूरी। टाइटेनिक में क्या हुआ था, आइसबर्ग का आने की वजह से ढंग से आप पता नहीं लगा सकते, आइसबर्ग क्यों नहीं दिखी उसको, इमेज लूमिंग, इसी को लूमिंग कहते हैं भाई। तो दिखा भी तो लेट, कहने का मतलब यह है कि उसको ये इतना लेट क्यों दिखा, पहले क्यों नहीं दिख गया, किसी के साथ होगा, समझ में आ रही बात। तो ये भी होता है, ये भी एक अलग ही चमत्कार, हाँ पानी नहीं, आपको रिफ्लेक्शन दिखता है तो आपका दिमाग कहता है कि पानी है, चमकता हुआ सा दिखता है वहां पे सब कुछ, क्योंकि आसमान भी तो दिखेगा, सन की, सन की, और कौन सी आएगी लाइट, और किसकी लाइट आएगी, सन के अलावा कोई है लाइट देने वाला, वहां कौन सा टॉर्च लगा के बैठा है कोई जमीन पे, इसको भी बना लीजिए जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। अगला है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड,
अब डायमंड में क्या होता है कि उसकी कटिंग इस तरह से करी जाती है बहुत बारीकी से कि एक बार, अब डायमंड तो नहीं बनेगा मेरे से डाउन टू, कि अगर एक बार लाइट अंदर चली जाती है तो वो अंदर ही TIR करती रहती है, कभी बाहर नहीं निकलती। जब आप बाहर से देखते हो तो वो दिखती है, हाँ चमक रहा होता है। तो यहाँ पर TIR की वजह से आपके पास स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड आता है, ठीक है।